भिवंडी में बाईपास के पास फ्लोरा रेस्टोरेंट के सामने बिंगो सर्कस लगाया गया है। इसमें डेली दोपहर 1 बजे, 4 बजे और शाम 7 बजे 3 शोज किए जा रहे हैं। इस बिंगो सर्कस में कई अलग अलग हैरान कर देने वाले आर्टिस्ट हैं जो मुख्तलिफ स्टंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपने इथियोपियन कलाकारों और 30 इंच के जोकर की वजह से लोगों की तवज्जा का मरकज बना हुआ है। किसी भी तरह की इंक्वायरी या बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमने कुछ दिनों पहले जुमेरात के दिन पिछले बीते हफ्ते एक वीडियो चलाई थी जहां पर हमने एक शख्स के बारे में बताया था जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था और दीवान शाह दरगाह के करीब इंडियन होटल के पास वहां वो शख्स पड़ा हुआ था। वीडियो चलाने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग वहां पे सामने आए, एक रविश ध्रुव करके नाम आ रहा है और एक कुछ अलमोइन हॉस्पिटल के कुछ लोग सामने आ रहे, मगर आज दुखदायक खबर ये आई है कि वो शख्स का इंतकाल हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आदिल शेख जो इस मामले को लेकर शुरू से आखिरी तक हमारे साथ बने हुए थे और उस मुख्तार बाबा के साथ भी बने हुए थे। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि अब उस शख्स का जो इंतकाल हो चुका है वो इसके साथ अब आगे क्या करेंगे, इसका कफन दफन कौन करेगा, इसका पूरा जवाब हम आदिल शेख से लेंगे। जब हमने उस टाइम वीडियो बनाई थी उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद से ये हुआ कि हमने साइन भी लेके गया, उसके बाद साइन वालों ने भी उसको रात में 4 बजे रिटर्न कर दिया, बोले कि हम नहीं हैंडल कर सकते। उसके बाद रात में 4 बजे हमने उसको ला के जहाँ से उठाया था वहाँ रख दिया। उसके बाद दूसरे दिन हमको एक कॉल आया रविश ध्रुव नाम का कि भाई वो ये बोल रहा था कि हम उसका जो भी खर्चा है प्राइवेट में आए वो हम करेंगे। तो हम लोग ने खातून काजी में भी गए, उधर भी बात किए, डॉक्टर यासिन काजी ने बहुत अच्छा राय मशवरा दिया कि उन्होंने कहा कि एक आदमी को यहाँ रुकना पड़ेगा, तो हमारे पास कोई ऐसा आदमी अवेलेबल नहीं था कि हम उसको वहाँ रुके। रविश भाई ने ये भी कहा कि हम उसको 1000-1500 जो भी लगे हम उसको अपनी तरफ से देते हैं, कोई आदमी मिला नहीं। तो आज ऐसा हुआ कि मैं स्कूल से आके सो गया था घर पे, हमको जैद समरा का फ़ोन आया, समरा भाई का, कि वो आदमी का इंतकाल हो चुका है। हमको थोड़ा शौक लगा कि हमने बेचारे के लिए इतना किया, दौड़ा भागा सब कुछ किया, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ कि उसका इंतकाल हुआ, फिर हमने शोएब भाई से कांटेक्ट किया, रईस भाई की भी एम्बुलेंस माशाल्लाह हमको हर वक्त मिलती रही, जब जब हमने फ़ोन किया रईस शेख की एम्बुलेंस हमको मिलती रही, हर तरह से मदद मिली, लेकिन उसका कोई सपोर्ट नहीं मिला। मदद तो सबने की, मतलब सरकारी जितने दवाखाने थे उधर एनजीओ सामने आई, इसमें एक एनजीओ था, नाम था उसका, नाम तो नहीं याद आ रहा है, नाम अच्छे था जो रईस भाई के थ्रू आई थी, एनजीओ का नाम नहीं याद आ रहा अभी। हमने सब जगह दौड़ भाग की लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला हमको। बेचारा वो जो मुख्तार बाबा जान से उठाए थे उसकी मौत वहीं लिखी थी, आखिरकार वही उसने वहीं दम तोड़ दिया। तो अभी आप आगे क्या करने वाले? अभी हम ये करने वाले कि अगर उसका इलाज नहीं करा पाए कम से कम उसको मुस्लिम रीति रिवाज से उसका कफन दफन कर दे, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ छोड़ दिए तो 15-20 दिन तक हो सकता है कि ये बॉडी यहीं पड़े रहे। तो वो किसी के एनजीओ से जाएगी कफन दफन? नहीं नहीं नहीं, हम अपने खुद से करेंगे। वैसे फ़ोन बहुत लोगों का आया है कि भाई जो भी कफन दफन का होगा आप लोग हमसे ले लेना। मैं खुद एक मैयत का काम करता हूँ, कफन दफन और गुसल का काम करता हूँ, तो मैं अपने निजी घर से खुद करूँगा। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।